Good morning, students. Welcome to all of you. As you know, we are learning about how to measure standard electrode potential. कल हमने देखा था कि किस तरह से हम अशी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे मेजर कर सकते हैं. आई होप ये सभी चीजें आपकी क्लियर है. किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे ही हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं. किस तरह रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये सभी चीजें आपकी क्लियर है. तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हम सीख चुके हैं. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे. स्टैंडर्ड कंडीशन आप सभी जानते हो, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, 180 प्रेशर है और उसके अलावा 298 केल्विन टेम्परेचर है. अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन मिस हो जाती है तो हमारा सेल स्टैंडर्ड सेल ना कहकर नॉन स्टैंडर्ड सेल होगा. तो उस टाइम पर सेल का जो पोटेंशियल होगा वो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा. तो उस कंडीशन में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है जिसे हम नल्स इक्वेशन कहते हैं. उस नल्स इक्वेशन से ही हम क्या मेजर करेंगे, किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल मेजर करना सीखेंगे. तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम नल्स इक्वेशन की तरफ बढ़े, उसका डेरिवेशन क्या होता है, कुछ छोटे छोटे से हमारे कंसेप्ट है जिन्हें हम क्लियर करेंगे. तो यहाँ देखो, नल्स इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. किस लिए यूज की जाती है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम नल्स इक्वेशन का यूज करते हैं. उसके बाद देखो, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड रिएक्शन क्वेश्चन, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं. रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है वो भी हम देखेंगे. अब देखो, सबसे पहले कि आपको देखना है किस तरह से आपको सेल पोटेंशियल मेजर करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नल्स इक्वेशन का यूज करके. तो नल्स इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं. हमने देखा नल्स इक्वेशन है क्या, किस काम को आती है, तो अब डेरिवेशन हम उसका देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखो, आप जब भी देखा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, वहां पर जिंक इलेक्ट्रोड था, वहां कॉपर का इलेक्ट्रोड था कैथोड की फॉर्म में, तो वहां कुछ वर्क हो रहा था. जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की तरफ, कॉपर को रिड्यूस कर रहे थे, तो वहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था. तो वो वर्क पहले हम मेजर कैसे करेंगे, वर्क डन बाय द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क. और फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए फॉर्मूला है चार्ज इंटू सेल पोटेंशियल. जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है उसे हम इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं. चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करोगे और इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज सेल पोटेंशियल, ई सेल आप नाम देते हो. तो ये हो गया हमारा वर्क डन जो भी हमारे सेल में हो रहा है. तो अब एक चीज ध्यान में रखना, आप यहाँ पर जैसे देखो, हम यहाँ जिंक की बात कर लेते हैं. जिंक था वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ठीक है. और कॉपर उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था. समझ में आ रही है चीज आपको. तो अब आपने देखा कि जिंक ने Zn प्लस टू बनाया, दो इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ पर किए. तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम किसी एक एटम की बात नहीं करते, हम उसके मोल्स की बात करते हैं. तो आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री में अमाउंट को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ जिंक का एक एटम ना लिखा होकर यहाँ पर वन मोल ऑफ एटम से, उसी तरह यहाँ पर जिंक का वन मोल ऑफ आयन है और यहाँ जो टू इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से. क्लियर होती है ना ये चीज. तो जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो कोई एक एटम तो रिएक्ट नहीं करता, पूरे की पूरे मॉल पर कैलकुलेशन होती है. तो वही यहाँ पर मॉल पर कैलकुलेशन हो रही है. तो देखो, इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो. देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम अपनी बेसिक क्लासेस से पढ़ते आते हैं. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द 1.6 इनटू 10 रे टू पावर -19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज है, आपको उस चार्ज को इस फॉर्मूला में रखना है. बट आप जानते हो कि आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, आप वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो. तो यहाँ देखो, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा आप जानते हो. वन मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अवोगाड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10^23. ये हमारा अवोगाड्रो नंबर है जो वन मोल में मिलने वाले नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज हमारा क्या था, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, उसको हम वन मोल में मिलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज आ जाएगा. समझ में आई ये चीज, जिसे जो कि इक्वल आ रहा है 9.6485 इंटू 10^4 कूलम के इक्वल, ठीक है. अब आप इसको, आप ये पावर वाला जो नंबर हटाना चाहते हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 96,485 कूलम भी आप इसको लिख सकते हो.
एंड फॉर आर कन्वीनियंस फॉर इक्वेशन पर्पस आप अपने न्यूमेरिकल अच्छे से कर सको, तो हमें ये ऑलमोस्ट लगभग बराबर मान के दिया जाता है 96,500 के इक्वल ही हमें वैल्यू दी जाती है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया एक मोल इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज जो कि 96,500 कूलम होता है, जिसे हम फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी नॉन इक्वेशन में बार बार आएगा। इसे हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, यानी चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द वन फैराडे। समझ में आई ये चीज, वन फैराडे लिखो या टोटल 96,500 कूलम लिख दो, वैल्यू बराबर होगी। तो इस तरह हमने जब हम बात कर रहे थे कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज फिर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज कैलकुलेट किया जो वन फैराडे के इक्वल आया। अब आपको नहीं पता कि आपका सेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, टू मोल कर रहा है, वन मोल कर रहा है, थ्री मोल कर रहा है, आपको नहीं पता, तो आप एक एस्टिमेशन लेकर चलोगे। सो वर्क डन बाय एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मोल इलेक्ट्रॉन के थ्रू किया गया वर्क। तो यहाँ पर क्यू जो आपकी वन मोल के लिए थी हमारी कैलकुलेशन, क्यू क्या निकल कर आ रहा था आपका वन फैराडे के इक्वल। तो एन अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स पे उन पर एन चार्ज था तो उनका जो चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा एन एस के, यानी एन फैराडे के। तो वर्क डन बाय एन डब्ल्यू इज इक्वल हियर एन एफ, एफ यहाँ फैराडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एफ से शो किया हमने, और साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है एन एफ डॉट ई सेल। तो ये कोई भी पर्टिकुलर आपका वर्क डन का फॉर्मूला है किसी भी सेल में, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरह वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें दिया गया है ये एन एफ डॉट ई सेल। ठीक है, इस तरह हमने डेरिवेशन स्टार्ट की। सबसे पहले वर्क डन आपने कैलकुलेट किया, आपका वर्क डन कितना आया एन एफ ई सेल। ओके, ये चीजें सिर्फ हमें समझने के लिए थी, ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम में भी लिखना है। आप इसे अपने माइंड में रखोगे इस एस्टिमेशन को, और आप डायरेक्ट अपना वर्क डन लिखोगे एन एफ ई सेल, जहां पर एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ जो है वन फैराडे और उसका वैल्यू 96,500 कूलम के इक्वल है, और ई सेल आपका पोटेंशियल वो देगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने वर्क की आगे अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से वर्क डन जो भी किसी सेल में किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा। अब देखो, वर्क डन तो हो रहा है, बट उसको हमारे टॉपिक का नाम ही था नॉन इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, थोड़ा सा हम थर्मोडायनामिक्स की तरफ चलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी वो फ्री एनर्जी है जो हमें वर्क करने के लिए किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल होती है। तो देखो, ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताती है, ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन। आपकी रिएक्शन कितनी स्पॉन्टेनियस है, कितनी वो केमिकली रिएक्शन करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाली है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, तो वही स्पॉन्टेनिटी हमें यहाँ पर कंपेयर करनी है गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर। तो देखो, गिब्स फ्री एनर्जी इट इज द इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी यानी कितनी इजिली हमारी रिएक्शन हो रही है, ये उसका इंडिकेशन है गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि इक्वल होती है डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जो भी आपने वर्क डन किया है उसके नेगेटिव के इक्वल होगी। वर्क डन का फॉर्मूला आप निकाल कर आए हो एन एफ ई सेल, तो उसे यहाँ पर हम रखते हैं डेल जी बराबर माइनस एन एफ ऑफ ई सेल। अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी, तो डेल जी नॉट से आप रिप्रेजेंट करोगे डेल जी नॉट इक्वल टू द माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आता है। गिब्स फ्री एनर्जी हमारी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताती है। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का अपना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी फॉर्मूला से हम चलेंगे अपनी नॉन इक्वेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, डेल जी इक्वल्स टू द डेल जी नॉट यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलने वाली गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी नेचुरल लॉ क्यू। यहाँ पर आर आप जानते हो गैस कॉन्स्टेंट है, ओके, उसका वैल्यू 8.314 जूल पर किलो मोल होता है, टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, और नेचुरल लॉ क्यू, क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट है जो कि एक थर्मोडायनामिक वैल्यू है, और रिएक्शन कोशेंट यानी कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स एट एनी टाइम। आयन्स कौन कौन से होंगे आपके पास, रिएक्टेंट के आयन्स भी होंगे रिएक्शन कंडीशन में आपके पास, और आपके प्रोडक्ट के आयन्स भी होंगे, तो उन्हीं का रेशियो ये बताता है रिएक्शन कोशेंट, जिसे हम यहाँ पर क्यू से शो कर रहे हैं। और क्यू को रिप्लेस करके हम ये भी लिख सकते हैं क्यू बराबर
concentration of ions of product upon concentration of ions of reactant. ये thermodynamic में quotient के लिए formula होता है. तो हम आगे बढ़ रहे हैं डेल जी की तरफ. डेल जी के लिए हमने thermodynamical formula देखा. अब डेल जी से, डेल जी हमारा जो है वर्क के नेगेटिव के इक्वल है. वर्क डन हम निकाल कर आए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन एनएफ ई सेल के बराबर होता है. ठीक है, यहाँ से सेम हम वर्क डन का फॉर्मूला हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. डेल जी की जगह हमने माइनस ऑफ एनएफ ई सेल का इक्वल टू द, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस एनएफ ई नोट सेल हम उसको कर देंगे और प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू आपका यहाँ पर आ रहा है. उसके बाद माइनस एनएफ ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में प्लस आर टी नेचुरल लॉग. अगर आप क्यू को रिप्लेस करना चाहो, आपके पास आयन की कंसेंट्रेशन है तो ऊपर आप प्रोडक्ट की आयन की कंसेंट्रेशन लिखोगे अपॉन रिएक्टेंट की आयन की कंसेंट्रेशन. उसके बाद हम चलते हैं, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो आ रहा है हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर नेगेटिव को हम कॉमन ले लेंगे. नेगेटिव हमने कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ. अब उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आती है उसको हम डिवाइड करेंगे एनएफ से, डिवाइडिंग बाय एनएफ. जो स्मॉल एन और कैपिटल एफ आपके पास है उससे डिवाइड किया, तो आपका ये वाला जो इक्वेशन है ई सेल रह गया, ये वाला इक्वेशन ई नॉट ऑफ सेल रह गया माइनस आर टी अपॉन एनएफ और नेचुरल लॉग पी अपॉन आर, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. अब नेचुरल लॉग को हटाकर आप लॉग से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो हम सभी जानते हैं जब भी नेचुरल लॉग हटाकर आप लॉग को रिप्लेस करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 2.303. तो यहां पर देखो ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको नेचुरल लॉग हटाकर लॉग वहां पर लाना है. आर टी अपॉन एन एफ लॉग देन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. तो ये हमारी नर्स इक्वेशन है और इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको नहीं दिया जाएगा. ये नर्स इक्वेशन आपको रिमेंबर रखनी है, नर्स इक्वेशन आपको याद करनी है बिल्कुल, और इसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, सारी वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी. आपसे पर्टिकुलर ई सेल पूछा जाएगा. नर्स इक्वेशन किस काम आती है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करते हैं उसमें हम. तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें मिल गया ई सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल है. आपको और क्या क्या वैल्यूज चाहिए वो सारी याद हुई है. तो ये हमारी नर्स इक्वेशन है. इस नर्स इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार इनका स्क्रीन शॉट ले लो, हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको. तो देखो नर्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें देखो क्या मिलता है. ये हमारे नर्स इक्वेशन है, यहां निकले थे नर्स इक्वेशन क्या निकल कर आई, ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. आप जानते हो यहाँ पर R बराबर क्या है, आपका गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर किलोमोल. फेराडे आपको दिया हुआ है, फेराडे का वैल्यू आप जानते हो 96,500 कूलम. टेम्परेचर मान लो आपको यहाँ पर 298 ही दे दिया, आपको स्टैंडर्ड कंडीशन वाला टेम्परेचर ही दे दिया 298 केल्विन. तो इन तीनों वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें रखोगे, तो आपको देखो क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन नर्स इक्वेशन, इन नर्स इक्वेशन इन वैल्यूज को नर्स इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखो नर्स इक्वेशन पर कैसे चेंज होगा, ई सेल वही रहेगा, ई नॉट ऑफ सेल वही रहेगा, और आपने आर का वैल्यू रखा, टी का वैल्यू रखा और एफ का वैल्यू रखा है. ठीक है, तो जब आप इनका वैल्यूज रखते हो और साथ में 2.303 दिए, तो वो सारे वैल्यू आपके कन्वर्ट हो जाते हैं 0.059 में. क्लियर होती रहे चीज. फिर हमारी नर्स इक्वेशन का एक और नया फॉर्म हमें देखने को मिलता है, और सिंपल कर लो अच्छे से, लॉग लॉग टेन ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. ये हमारा एक नया फॉर्म देखने को मिलता है. मान लो आपको
ये सारी कंडीशन पता है आपका, ये जो गैस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू भी फिक्स है, आपके फेराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स है, आपके टेम्परेचर अगर नहीं दिया हुआ तो टेम्परेचर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन वाला मानना है वो भी फिक्स है। तो हम डायरेक्ट ब्रांच इक्वेशन क्या लिखेंगे हमारी, ई सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमें मेजर करना है, और ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको देगा इक्वेशन में, जिसको आपको 0.059 अपॉन एन करना है। एन क्या है, मोल ऑफ, किसके मोल है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्ट कर रहे हैं, और लॉग टेन ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो ये तो था हमारा नल्स इक्वेशन, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नल्स इक्वेशन को गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। और इसके साथ ही आपका नल्स इक्वेशन फिनिश होता है। अब इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और किस तरह नल्स इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसके क्वेश्चंस कर सकते हो ये देखेंगे। फिर उसके बाद नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको नोट डाउन करूं।